मैंने उस टाइम उससे पूछा था, निंबाराम उसका नाम है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है। मैं बोला, निंबाराम क्या हाल है तेरे? चोट खाने के बाद बिस्तरे पे पड़ा हुआ है जवान पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। और फिर बाद में बोलता है, साहब मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? जब हमारा बंदा अस्पताल ले जाया गया हेलीकॉप्टर के अंदर, उसके पेट के अंदर के हिस्से, जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो पॉलिथीन बैग में साथ डाला गया। पॉलिथीन बैग में हेलीकॉप्टर के अंदर उसके साथ। तो उसको चोट इस प्रकार से आई, जो नर्स ने मुझे बयान किया था, मैं आपको बताता हूं, ये 2003 की बात है, 16 साल हो गए पूरे, 17 होने को आ रहे हैं। उसने, नर्स ने बोला कि साहब उसके जो लेफ्ट वाला फीमर है, जो फीमर होता है, जो थाई का सबसे बड़ा हड्डी होता है शरीर का, वो दो जगह पर फ्रैगमेंट हो गया है। फ्रैगमेंट का मतलब क्या है? जो पेंसिल है, जब आप तोड़ते हो तो दो हिस्सों में टूटता है। फ्रैगमेंट का मतलब ऐसे, जो पेंसिल अगर 8 या 10 हिस्सों में टूटे वो फ्रैगमेंट है। तो उसका ये जो थाई बोन था दो जगह पर फ्रैगमेंट हो गया था, इसीलिए डॉक्टर साहब जहां भी काट रहे थे उनको नजर आ रहा था खून। ज्यादा से ज्यादा गोली उसको लगी बाएं हाथ पर। क्यों? जो बुलेट प्रूफ जैकेट है जो हम पहनते हैं, वो सामने होता है पट्टी लोहे का चादर, पीछे होता है लोहे का चादर, एक पतला चादर होता है पेट के लिए, एक पतला होता है गर्दन के लिए, ऊपर और साइड में खुला है। गोलियां लगे उसको साइड में, सबसे ज्यादा चोट उसको ऊपर आया छाती में। जब पैर में गोली लगा होगा तो वो गिरा है। अब पहाड़ी में 20 मीटर 25 मीटर कितना नीचे गिरा है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब गिरा है तो उसका छाती किसी बड़े पत्थर के नुकीली चोट पर पड़ा है और यहां उसे चोट आई। तो जो लोहे का प्लेट है वो दबाता है जो फेफड़े, जो रिब्स है, तो उसके 5 रिब्स टूटे हुए थे। और 5 रिब जब टूटते हैं तो अंदर की तरफ टूटते हैं, तो उसका जो बाएं वाला फेफड़ा था उसमें 5 जगह पर छेद हो गया, और जो लंग था लेफ्ट साइड वाला उसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड पूरा भर गया था। ये उसके चोट थे। जब नर्स ने ये मुझे बयान किया तो मैंने नर्स से सीधा सवाल पूछा, क्या बंदा बचेगा? और जैसे डॉक्टर साहब लोग आमतौर पर होते हैं, ये नर्स ने बोला, सर मैं नहीं जानती हूं। तो हम लोग जो वर्दी पहनते हैं थोड़े, मैं बोला ना, दिल से करते हैं हम काम, दिल से। तो मैंने अपने सोच में, मुझे ये लगा कि अगर मैं उससे बात कर सकता हूं 1 सेकेंड, तो हमारे जो 1000 जवान है उनका जो मन का शक्ति है, जो दिल का शक्ति है, वो मैं उस तक भेजूं टेलीफोन के थ्रू। मैंने नर्स को पूछा, क्या मैं बात कर सकता हूं उससे? तो उसने बोला कि साहब 6 दिन हुए इसने आज तक बात नहीं कही है, इसकी आंखें खुले तो है लेकिन ये क्या सुन सकता है, क्या महसूस कर सकता है, क्या बोल सकता है, मैं नहीं जानती हूं। मैंने फिर भी बोला कि आप फोन का जो हैंडसेट है उसके पास रख सकते हो? तो उसने बोला हां। तो उसने फोन उसके हैंडसेट उसके कान के पास रखा। मैंने उस टाइम उससे पूछा था, निंबाराम उसका नाम है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है। बोला, निंबाराम क्या हाल है तेरे? 15 या 20 सेकेंड गुजरे, कोई जवाब नहीं है।
मैंने सोचा शायद वो खत्म हो रहा है, शायद वो सुना ही नहीं मेरी बात, शायद वो बोल नहीं पा रहा है। मैं फोन रखने वाला ही था अपनी तरफ से, क्यों उस टाइम तक मेरा दिल पूरा ही टूट चुका था। फोन मैं रखने वाला ही था, एक बिल्कुल पतली सी आवाज में जवाब आया, इतना चोट खाने के बाद बिस्तरे पे पड़ा हुआ जवान पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है, और फिर बाद में बोलता है साहब मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? आपको कहानी सुनना है तो कहानी ऐसे सुनो, कहानी सुनाना है तो कहानी ऐसे सुनाओ। जो जवान खुद मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, वो मृत्यु के आंखों में आंख डाल करके खड़ा है उस वक्त, और वो सिर्फ सोच रहा है अपने टोली में बाकी बंदों के बारे में। ये होता है सेल्फलेसनेस।